आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो क्लासेस है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ से देख सकते हैं सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 से महत्व प्रश्न करें, जो आपके सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से संबंधित टोटल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? 25 नंबर। अगर आप डेली करते हैं, आपके पास कितना समय? मात्र 1 माह बचा हुआ है। आपका एग्जाम आपका 15 अक्टूबर को लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? 15 अक्टूबर को आपका लिया जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास करते रहेगा। ये आपको भाग 2 क्लास है। कौन सा क्लास है? भाग 2। अगर आप भाग 1 में, ठीक है, अगर आप भाग 1 में 10 नंबर का है, जिसमें आपको 50% लाना अनिवार्य है, तभी आपका भाग 2 पेपर चेक किया जाएगा। अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और टोटल हम एमसीक्यू आपको करा रहे हैं। अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास समय आपको बता दिया जा रहा है। लाइव क्लास आपका रहेगा शाम 5 बजे और 9 बजे, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ कुछ प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के बारे में पूछ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन से पहले सहकारी समिति के पंजीयन के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की, पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लास आपके लिए है ना। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन सी 30, क्या आएगा? जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम है आपका 1960, संशोधन से पहले पूछा गया है। संशोधन से पहले, जबकि समितियों के पंजीयन के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों, तो इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल सी 20, ठीक है। कितना होगा? 20। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न 2 कहता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 में संशोधन से पहले सहकारी समिति के जो पंजीयन कितने दिनों के भीतर, टोटल अगर आप तैयारी कर रहे हैं सहकारिता विभाग का, तो वीडियो को देख के जाना, स्किप नहीं करना है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 90। क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर आप गलत देंगे, ठीक है। सभी के सभी यहाँ कमेंट कीजिएगा क्या आएगा। आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, चलिए कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 60, जिसमें संस्थान से पहले सहकारी समिति किया जाना चाहिए, आंसर कौन सा होगा? 30, 60, 45। तो इसका आंसर आपका होगा 30। ये जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जो पहले सरकारी, ठीक है, संशोधन से पहले पूछा गया है, समिति कितने दिन के भीतर? मात्र 1 माह। अब ड्यूटी क्वेश्चन में 1 माह भी दिया जा सकता है, ठीक है, क्या दिया जा सकता है? 1 माह भी दिया जा सकता है, या फिर 30 दिन भी दिया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न 3 कहता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किस संविधान संशोधन अधिनियम के अज्ञापक प्रावधानों के अनुपालन किया गया है? देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन 2, ये बताइए कमेंट करके क्या आएगा। इसका आंसर होगा आपका बिल्कुल ए 97, यानी कि ऑप्शन ए होगा 97, यानी कि 97। ओके, प्रश्न 4 है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 60 में संशोधन के अनुसार अब सहकारी समितियों के लेखाओं की संपरीक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। कौन करेगा? रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी, ठीक है। चौथा को हो जाएगा ए, सॉरी, चौथा को हो जाएगा क्या आएगा यहाँ पर? सनदी लेखक का क्या रहा है, बताओ यहाँ पर।
ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी है आपका 1960 में, उसके जो लेखा है आपका ऑप्शन ए होगा सनदी लेखाकार। ठीक है, कौन होगा? सनदी लेखाकार। लेखाकार चलिए प्रश्न पांचवा का बताइए क्या है। यदि किसी सहकारी समिति का साधारण निकाय अपने लेखाओं की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षा या संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर करने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में क्या होगा? क्या होगा? चलिए, रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित सोसाइटी के संपरीक्षक या फर्म नियुक्ति करेगा, रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी का पंजीयन रद्द करेगा, या रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को जुर्माना लगाएगा, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में। तो पांचवा का ऑप्शन ए होगा, रजिस्ट्रार जो ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने का पश्चात संबंधित सोसाइटी के संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म की। ऑप्शन छठवा है क्या है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन के लिए आवश्यक जो प्रक्रिया है क्या होगी? देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए, सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जाएगी जो मतदाताओं को तैयार करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा, या फिर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने में प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, या फिर प्रत्येक मतदाता के पास एक मत होगा, या बहुमत प्राप्त उम्मीदवार निर्वाचित समझा जाएगा। का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि नियुक्ति अधिकारी जो निर्वाचन वाला है ना, ऑप्शन ए। सातवा देखते हैं क्या है। सातवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 60 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के विवादों को निपटारा यानी कि निपटाने की जो प्रक्रिया है, ऑप्शन ए, सहकारी संस्थाओं के विवादों को निपटाने के लिए एक विवाद निपटान समिति का गठन किया जाएगा, या फिर ऑप्शन बी है विवाद निपटान समिति जो सहकारी समिति के सदस्यों के सरकार प्रतिनिधित्व और एक तट शामिल है, या फिर सी है विवाद निपटान समिति समितियों द्वारा सुलह मध्यस्थता या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जाए जाएगा, या फिर डी है इनमें से जाएगा। ऑप्शन सातवा का होगा बी, वाद निपटान समिति में सहकारी समितियों के सदस्यों सरकार के प्रतिनिधियों एक तटस्थ शामिल। आठवां है, भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई? कब हुई है? 1885, 1904, 1920 या 1900? भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई है? कब हुई है? तो इसका आंसर आपका होगा आठवां का पी, 1904 में शुरुआत पूछा गया है। अगर यहाँ पर जो स्थापना जो प्रारंभ पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर 1904 है, जबकि अगर 1912 रहेगा तब आप 1912 लेना। ठीक है, ये तो 1904 दिया गया है, अगर ऑप्शन में 12 लिया गया ना तब लेना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया? राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो नौवां का आंसर आपका होगा 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई होगा आपका। दसवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 60 की कौन सी धारा? देखिए अब यहाँ पर पूछा गया, मान लो जाएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सरकारी सोसाइटी अधिनियम कितने धाराएं हैं, टोटल कितने धाराएं एवं अध्याय हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो क्या जवाब, क्या आप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में, तो
देखिए यहाँ पर जो धारा पूछा गया है सरकारी संस्थाओं को वर्गीकरण में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 धारा। लेकिन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम में 11 अध्याय, 11 अध्याय एवं 96 धाराएं हैं, ठीक है, 96 धाराएं हैं। इसका टॉपिक रात को आपको लाइव क्लास में मिलेगी, ठीक है, लाइव क्लास में आपको पूरा थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा लाइव क्लास में 9 बजे रात को, ठीक है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा या फिर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है। यहाँ पर एक जरूरी सूचना है, याद रखिएगा, टाइपिंग में नोट कीजिएगा कि सहकारिता एग्जाम में आपका टोटल 100 नंबर के प्रश्न, यानी कि क्यों पूछा, कितने नंबर का टोटल, 100 नंबर का, जिसमें आपको भाग वन में 10 नंबर का सामान्य ज्ञान यानी कि छत्तीसगढ़, और 10 नंबर का छत्तीसगढ़ आपका लैंग्वेज रहेगा, दोनों आपका पार्ट 1 में है, ठीक है। उसी प्रकार आपका भाग 2 में बहुत सारे हैं, भाग 2 में पूरा है। अगर आप भाग 1 क्लियर करते हैं, 50% अगर आपका लाते हैं 50%, तो आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा, ठीक है। और रही बात, हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास किया जा रहा है, एक बार टाइम आपको बता दिया जाता है, लाइव का जो क्लास रहेगा शाम 5 बजे और रात 9 बजे। तो आप खाना वाना खा लीजिएगा मस्त आराम से, खाना वाना खा कर आप 9 बजे तैयार हो जाइएगा और जाइएगा लाइव क्लास, पूरा थ्योरी क्लास कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। मौसम यहाँ बहुत ख़राब चल रहा है, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इसके बाद एक और जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ठीक है, देखिए यहाँ पर वाला लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 कब लागू किया गया, ये क्वेश्चन। चलिए प्रश्न पहला है, गठन कब किया, इसका आंसर होगा 6 जुलाई 2021, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग के मंत्री कौन, तो आपका रविंद्र चौबे, रविंद्र ये वाला नहीं है ना, पहला होगा ऑप्शन। अपेक्ष बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अपेक्ष बैंक के वर्तमान अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, इसको याद रखना 2023 में, जितने भी है एमसीक्यू है इम्पोर्टेंट है, फंस सकता है ना। छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 60 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई है, याद रखना 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1961, 60 नहीं है, 1961 है। देखिए यहाँ पर अभी आपको मैं बताया था, ये क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं, कुल कितने अध्याय हैं, अब याद रखना कुल कितने अध्याय हैं, आपका 11 अध्याय और 6 धाराएं हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम में असुमेलित का मतलब होता है इनमें से विकल्प कौन सा गलत है, ठीक है। अध्याय 2 रजिस्टर, अध्याय 3 सदस्य उनके अधिकार दायित्व एवं विशेषता, या ऑप्शन सी अध्याय 7 सम परीक्षक जांच निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, या ऑप्शन डी अध्याय 9 में अपराध एवं शक्ति। तो ये टोटल हम आज रात को लाइव क्लास में लेंगे, जिसमें आपका रहेगा ये पूरा थ्योरी क्लास, ठीक है, थ्योरी क्लास रहेगा जिसमें सभी अध्याय आपको कराएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रकार कितने कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, ये सभी आपको कराएंगे। इसका आंसर आपका होगा ये वाला। चलिए राइट ले, छत्तीसगढ़ सा केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को
गया। याद रखना, यहाँ पर बहुत लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक, याद रखना पहला क्या कहता है केंद्रीय बैंक, सेकंड है सहकारी बैंक और तीसरा है रिजर्व बैंक, यानी कि तीनों ऑप्शन, तीनों को परिभाषित किया गया आपका धारा 2 में। कई लोग कह रहे हैं कि सर इसका धारा 1 होगा। थ्योरी अच्छे से पढ़िए बेटा यहाँ पर, फिर आप क्वेश्चन कमेंट कर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 60 की धारा 2 के अनुसार विद्यार्थियों में क्या अभिप्राय था, अभी आप देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा व्यक्ति जो विदेश में पढ़ रहा है, बिल्कुल गलत। ऐसा व्यक्ति जो अपने उच्चतर शिक्षा के लिए बैंक ऋण लिया हो, बिल्कुल गलत। ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण कर रहा हो, ये सही है ऑप्शन सी। यदि यह समाधान हो जाता है, मतलब ऐसा समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास के समुचित क्रियान्वयन के किसी समिति का पुनर्गठन आवश्यक है, तो पुनर्गठन की स्कीम कौन बन सकती है, राज्य सरकार होगा बेटा यहाँ पर, केंद्र कैसा होगा, दोनों कैसा होगा यहाँ, ऑप्शन बी। चलिए देखिए यहाँ पर दसवा है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान, आप सभी को मालूम होगा। इसमें देखिए करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 1 से 2 नंबर, छत्तीसगढ़ भी पढ़ के जाना है। इसका आंसर बहुत लोग सी दे रहे हैं, तो सी नहीं है बेटा, इसका आंसर ए है ना, अशोक अग्रवाल, याद रखना। सहकारिता विभाग संबंधित जो बजट है, योजनाओं का संबंधित प्रकरण है, कौन तैयार करता, कौन तैयार करता है, ऑप्शन ए सहकारिता मंत्री, ऑप्शन बी सचिव सहकारिता, ऑप्शन सी उप सचिव सहकारिता, ऑप्शन डी अवर सचिव सहकारिता। इसका आंसर होगा आपका ए, ए नहीं है ना, गलत, बी होगा सचिव सहकारिता। ठीक है, कौन है आपका सचिव सहकारिता। बिल्कुल हो जाएगा सचिव सहकारिता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना बेटा और लाइक कर देना, है ना, डेली क्लास कराया जा रहा है, आपको बताया है टाइम। बिल्कुल देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेंबरशिप, तो हमारे सब्सक्राइब के बगल में ऐसा मेंबरशिप का ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, डाउट क्लियर होगा, लाइव क्लास मिलेगी। क्या चाहते हैं बेटा, तो फीस है आपका 299 रुपये, एक है आपका 399 रुपये, और एक लोकल क्लास है 50 रुपये। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।